नमस्कार, मैं शाइना उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से हाजिर हैं नई और ताज़ा खबरों के साथ। आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करें ताकि नई और ताज़ा खबरों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत का बुलावा भेजा है। अब 3 दिसंबर को केंद्र की किसानों के साथ बैठक होगी। इस बैठक के बाद ही पता चलेगा कि किसानों का संघर्ष आगे बढ़ेगा या केंद्र सरकार कानूनों को रद्द कर किसानों का गुस्सा शांत करेगी। फिलहाल किसान 25 नवंबर के दिल्ली धरने की तैयारी कर रहे हैं। किन्नू मंडी में कम भाव मिलने से गुस्साए बागवानों व किसानों द्वारा भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के बैनर तले रविवार से शुरू किया गया धरना सोमवार को चक्का जाम में तब्दील हो गया। सोमवार को किसानों ने फाजिलका रोड स्थित ओवरब्रिज पर धरना लगाकर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। इस मौके पर किन्नू किसानों ने उनकी फसल का पूरा भाव ना देने वाले व्यापारियों व आढ़तियों व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, क्योंकि उतो बजाई का टाइम है, नरमे की चगाई है, और सानू अज जरा अक के जरा फ्लाईओवर जाम करना पाया। सो जो ये लुटू टोला है, यू असी लुट नहीं बचा देनी, भावें साड़ी इतने जिंदगी लग जाए। जेडे कि आ मंडी के पाए गए हैं किन्नू मंडी, जी सू सोचन च पहला लगती थी कि किन्नू मंडी जिमीदार ली खोली गई है तो सानू इतने बेनीफिट होएगा, हूँ यही किन्नू मंडी ने सानू रोड दिता है तो सानू नंग करता है। किसानों के चक्का जाम के कारण पूरा दिन नेशनल हाईवे पर फाजिलका रोड ओवरब्रिज के आसपास वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 3 दिनों के लिए पूरी तरह रास्ता बंद कर देंगे। एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर डीलर सोसाइटी की चुनाव संबंधी बैठक गत दिवस थाना रोड पर स्थित होटल सनबीम में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से विशु मिड्डा को चेयरमैन व राजेश नागपाल को प्रधान चुन लिया गया। बाजार नंबर 12 के आखिरी चौक के दुकानदारों ने धीमी गति से चल रहे विकास कार्य को तेज करवाने की मांग की है। दुकानदारों ने कहा कि आखिरी चौक पर काम धीमा होने के कारण ना सिर्फ ग्राहकों को परेशानी हो रही है बल्कि दुकानदारों को भी कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंच सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।